Next is factors on which electronegativity depends. So the first factor is nuclear charge. So nuclear charge is directly proportional to electronegativity. देखो अगर nuclear charge ज़्यादा होगा तो atom अपने electrons को तो खींच ही सकता है और जिसके साथ वो bonded है उसके electrons को भी अपनी तरफ खींच सकता है, ठीक है. So nuclear charge is directly proportional to electronegativity. अगर साइज़ की बात करें तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के. क्यों? बिकॉज अगर साइज़ ज़्यादा होगा तो एटम अपने ही इलेक्ट्रॉन्स पे उतना जोर नहीं डाल पा रहा तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को कैसे खींच सकता है वो, ठीक है. इसके बाद अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के. फॉर एग्जाम्पल मान लो एक हमारे पास Fe प्लस टू है और एक हमारे पास Fe प्लस थ्री है. अब इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, 26 एटॉमिक नंबर होता है, तो यहाँ पे 23 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे हमारे 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं. एटॉमिक नंबर दोनों ही केस में 26 है, मतलब प्रोटॉन्स जो हैं वो 26 ही हैं. यहाँ पे 26 प्रोटॉन को 24 इलेक्ट्रॉन को खींचना है और यहाँ पे 23 को खींचना है, तो 23 को ज़्यादा अच्छे से खींच पाएंगे. जब अपनी ही शेल पे ज़्यादा फोर्स ला पाएंगे तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी ज़्यादा खींच पाएंगे ना. तो अगर एटॉमिक नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा मोर पॉजिटिव मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिव द एटम इज ओके.